सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। माननीय सदस्य भानु प्रताप साय जी, अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है और जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमने प्रश्न ये किया है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भवनाथपुर में जमीन प्रस्तावित था अध्यक्ष महोदय, और उसके लिए प्रस्ताव उपायुक्त गढ़वा के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब इसमें बताया जा रहा है कि फिर बोकारो से प्रस्ताव मंगाया गया और बोकारो और गढ़वा का प्रस्ताव के समीक्षा किया गया, और समीक्षा के उपरांत वहां के विषय को हटा दिया गया और फिर उस कॉरिडोर को बोकारो लगाने का प्रस्ताव शायद झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया। महोदय, हमारा आपके माध्यम से सरकार को यह कहना है, गढ़वा जिला आकांक्षी जिला है और एक भी उद्योग धंधा वहां महोदय नहीं है जो लार्ज पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। पूर्व में भी ये बोकारो में ही बनना था, लेकिन चूंकि आकांक्षी जिला वहां था और बोकारो के जो जमीन था वहां कोई लिटिगेशन है विस्थापित का महोदय, इसलिए इसकी फिर से पहचान की गई थी भवनाथपुर के लिए। अब भवनाथपुर से प्रस्ताव आने के बाद दोबारा क्या हो सकता पड़ी फिर बोकारो के प्रस्ताव मंगाने का, जबकि बोकारो के प्रस्ताव पहले ऑलरेडी खारिज हो चुका था। तो केवल सरकार ये बताए कि दोबारा क्यों प्रस्ताव बोकारो से फिर मंगाना पड़ा, बोकारो स्टील से, ये केवल सरकार जवाब दे तो फिर अगला प्रश्न हम पूछ लेंगे। महोदय, माननीय मंत्री जी, उद्योग अध्यक्ष महोदय, मैं भी जहाँ की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी, मैं भी उसी जिले से और गढ़वा मुख्यालय के विधानसभा से आता हूँ, और मुझे भी काफी खुशी थी जब ये प्रस्ताव भेजा गया था 1000 एकड़ का वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने के लिए। लेकिन जो उसके लिए मापदंड थे, उस मापदंड पर वो जो भवनाथपुर का जो सेल का जो वहाँ पे जगह था 1000 एकड़, वो मापदंड के अनुरूप नहीं था। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो मापदंड है वो जहाँ से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजर रहा है उससे 150 किलोमीटर की दूरी कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी दूरी 150 किलोमीटर से ज़्यादा पाई गई, इसलिए इसे समीक्षा के उपरांत इसे निरस्त कर दिया गया और फिर दोबारा मांगा गया प्रस्ताव। तो बोकारो का प्रस्ताव गया है 740 एकड़ का, और वो अभी उस पर विचार हो रहा है, अभी उस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है। आगे जो जो प्रश्न पूछना चाहे माननीय सदस्य उसका जवाब दे। महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने जानकारी दिया है, महोदय हमको लगता है कि या तो मंत्री जी को पदाधिकारी के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। ये तमाम अहर्ता को महोदय पूरा करता है, जो एनएच का है कि एनएच की दूरी क्या होनी चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रेलवे लाइन है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, डैम है या नहीं है, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को महोदय वो पूरा का पूरा भवनाथपुर आहर्ता को पूरा करता है। बावजूद महोदय देखिए, इसमें मुझे आपसे कहने में या सदन को बताने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं है कि ये पॉलिटिक्स प्रेशर में वहां के चीजों को हटा करके फिर बोकारो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री का भी गृह जिला है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री वहां रहते भी है। अब महोदय, एक जिला जो आकांक्षी है, अब शरीर के एक अंग को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया जाए महोदय, तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य का दूसरा शरीर अंग जो है वो अपाहिज हो जाएगा। अब बोकारो को बहुत ज्यादा आप मजबूत कर रहे हैं और भवनाथपुर और गढ़वा को आप कमजोर कर रहे हैं, तो ये पूरा झारखंड अपाहिज हो रहा है महोदय। उस व्यवस्था को भी बनाने के लिए आपको चाहिए कि हर जिला को संतुलित ढंग से आपको देखने की आवश्यकता है। ये भेदभाव रहित काम होनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन ये भेदभाव से हो रहा है महोदय कि भानु जी के क्षेत्र में है, भारत सरकार के द्वारा है, ये बोकारो में होने चाहिए। महोदय, अगर इस दृष्टि से अगर हम झारखंड को नापेंगे तोलेंगे महोदय, तो वो तो कभी भी उस जिला में गढ़वा जिला में कुछ खुलेगा ही नहीं महोदय, फिर कहां जाएंगे वहां के लोग महोदय। तो ये महोदय मेरा आपसे आपके माध्यम से आग्रह है, या तो आप अपने यहां बुलवा लें महोदय, जो हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी है उनको बुला लें, डायरेक्टर को बुला लें, भारत सरकार के जो प्रतिनिधि उनको बुला लें, माननीय मंत्री को बुला लें, हम लोगों को भी बुला लें। अगर वास्तव में अहर्ता नहीं पूरा करता होगा महोदय आप भेज दीजिए, लेकिन अहर्ता अगर पूरा करता है भवनाथपुर महोदय, तो मेरा आपसे विनती है महोदय कि वहां के 10 लाख जनता के हित में
वहां कॉरिडोर का स्थापना होगा। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत खुशी थी कि वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव, और मैंने ही बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेकर ये प्रस्ताव मैंने भिजवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और ये प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से खारिज नहीं हुआ, ये प्रस्ताव केंद्र से खारिज हुआ है। जो इनका विभाग है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, भारत सरकार का उपक्रम है और वहां से ये प्रस्ताव खारिज हुआ है, ना कि राज्य सरकार से खारिज हुआ है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था केंद्र को और केंद्र से खारिज हुआ है ये प्रस्ताव। ये कहीं से भी हर एक चीज में राजनीतिक पुट नहीं होना चाहिए, और किसे भी मैं खुद जवाब दे रहा हूं, मेरा भी जिला है वहां, मैं भी वहां से चुन कर आता हूं। भानु प्रताप शाही जी से ज्यादा खुशी मुझे होती अगर वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित होता, तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो खारिज कर दिया गया उस प्रस्ताव को, और बोकारो से फिर नया प्रस्ताव गया है। तो इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई? राजनीति हर चीज में राजनीति की बात कहां से आ जाती है अध्यक्ष महोदय? महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अर्हता पूरा नहीं करता है और ये खारिज किया गया है। मैं बड़े ही जिम्मेवारी से कहता हूं कि पहले बोकारो में यह प्रस्ताव था, बोकारो में विस्थापित के लिटिगेशन के चलते ये फिर भवनाथपुर में चिन्हित किया गया। महोदय, भवनाथपुर के प्रस्ताव आने के बाद ये नया मामला आया कि फिर से बोकारो से मांगा गया, जब बोकारो में ऑलरेडी पहले खारिज हो चुका था। तो क्या हो सकता आपको पड़ी कि दोबारा फिर बोकारो स्टील से आपने प्रस्ताव मांगा? मेरा इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए तो आप फंस जाइएगा। ये राज्य सरकार ने जानबूझ करके गुमराह करने का काम किया है महोदय, और 10 लाख जनता के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव जब खारिज हुआ, और बोकारो का प्रस्ताव कब खारिज हुआ वो भी हमें माननीय सदस्य अगर उपलब्ध करा दे, बोकारो से जिस भूमि का प्रस्ताव अभी किया है 740 एकड़ का, वो प्रस्ताव अगर केंद्र के द्वारा खारिज किया गया, उस प्रस्ताव को रद्द किया गया है, तो वो मुझे उपलब्ध करा दे माननीय सदस्य की कब खारिज हुआ, किस तिथि को खारिज हुआ और फिर से उसी भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं फिर से इन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिर से ये भवनाथपुर की जो भूमि चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा गया था, वो प्रस्ताव फिर से वापस हम लोग भेजेंगे केंद्र को। महोदय, एक पॉजिटिव बात माननीय मंत्री जी आपके समक्ष रखे जी, आप उसको कैच करके आगे बढ़िएगा तो हमको लगता है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा महोदय, इस चलते हुए सदन में आपके द्वारा सारे लोगों को बुला लिया जाए महोदय, और आप देख ले महोदय, आपके द्वारा जो भी इंसाफ होगा हम मान लेंगे महोदय। वो तो एक जिला के साथ अन्याय हो रहा है महोदय, और पदाधिकारी इसमें गुमराह कर रहे हैं सरकार को, सदन को गुमराह किया जा रहा है। माननीय सदस्य, महोदय आप माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, चूंकि माननीय मंत्री जो जवाब दे रहा है वो भी उसी जिला के हैं, और प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भानु जी आप भी उसी जिला के हैं, और दोनों का सामूहिक प्रयास से हम समझते हैं ये जो उत्पन्न हुआ है परिस्थिति, हमको लगता है कि संभावना होने, इसको समाधान होने की संभावना है। तो क्यों नहीं आप दोनों पहले बैठ करके इस विषय को तय कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। अगर आपका आदेश होगा तो हम लोग जी 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 तो नियम हो गया महोदय। हाँ, तो आप और माननीय मंत्री जी समक्ष बैठ के डिस्कशन कर लीजिए, फिर आगे का रास्ता निकलेगा। ठीक है महोदय, धन माननीय मंत्री जी बैठ करके बुला ले महोदय। ठीक ठीक ठीक, माननीय मंत्री जी आप लोग बैठ लीजिए दोनों। अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र से प्रस्ताव मांगा जाएगा तभी प्रस्ताव जाएगा अध्यक्ष महोदय, ये समझना चाहिए। माननीय मंत्री जी आप लोग बैठ लीजिए, ठीक है, बैठ लीजिए, उसके बाद आगे सदन का समय क्यों जाया होगा।